डर के मारे डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय करता रहा राजेश वागले घरेलू इलाज। बात का बन गया बतंगड़। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरा मुंह चिपक गया। क्या बीती वागले परिवार पर, आइए देखते हैं आज। सुदामा, अभी तेरा मैसेज देगा। तो है मुंबई में या? ओ, सिर्फ दो दिन के लिए आया था, काम के सिलसिले में। सर्वाइकल? ओहो, कोरोना में पूरी दुनिया को सर्वाइवल का इशू था, तुझे सर्वाइकल का इशू है? हाँ दादा। I'm fine. हाँ, पूरी रात ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, कह रहे हो I'm fine। अरे भैया, ओ सुदामा, वन ट्रैक माइंड, और भी इश्यूज होते हैं। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। कमाल कर रही है, दिखाओ मुझे। देखो स्वेलिंग है अभी भी। पेन नहीं है बिल्कुल। हाँ, दर्द दी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई 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 आई। अरे राजू, तेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। राधिका, दादू के दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दाढ़ का। जो हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत की निशानी होती है। क्या? तेरे साइंस का टेस्ट है ना, जा पढ़ाई कर। उसी में पढ़ा है मैंने। सखी, इसे अंदर ले जा। चल। माँ, पिछले पूरे हफ्ते दर्द से परेशान रही है, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। पूरा दिन आई एम फाइन चलता रहता है, पूरी रात आई आई कर रहे होते हैं। वंदना, बचपन से ऐसा ही है वो, जब भी उसे दर्द होता है ना, हमेशा आई करके पुकारता है। राधिका, दर्द के मारे जब आई कहता है, वो प्रॉब्लम नहीं है इसका। वंदना जब उसे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कहती है, तो बाप रे कहता है, वो प्रॉब्लम है इसका। राजू, तू डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाता? आपको याद है बचपन में ऐसे ही राजू के दांतों में दर्द हुआ था, हम लोग डेंटिस्ट के पास लेके गए थे। पता है वंदना, हम दोनों ने ना मिलके डेंटिस्ट की कुर्सी पे ऐसे पकड़ के बिठाया था, और जैसे डेंटिस्ट ने ड्रिल उसके मुंह में डाली ना, राजू ने ऐसे लात मारी है डेंटिस्ट को, हम दोनों ने शर्म से आंखें ही बंद कर दी थी। जब आंखें खोली तो जमीन पे दो दांत पड़े हुए थे, और राजू के नहीं, डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट के पास जा। मैं तभी बच्चा था बंधु, बच्चे तो डॉक्टर से डरते ही है ना। ये अलग बात है कि उस हादसे के बाद वो डॉक्टर बच्चों से डरने लग गया। बस आराज, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। पूरा सैटरडे अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा करके बर्बाद कर दिया। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। हेलो, ये हाय डॉक्टर शर्मा, मैं वंदना बोल रही हूँ, वो मिसेस देसाई ने आपसे बात की थी। हाँ, वो हम आने वाले थे लेकिन नहीं, नहीं आना, तुम जाओ। अब अगर आप कहें तो हम अभी आ सकते हैं प्लीज। ओह अच्छा, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो कल? अच्छा, कल क्लिनिक बंद है? बट डॉक्टर, ही इज इन एक्सट्रीम पेन, आप फोन पे कोई पेन किलर बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक हिम फर्स्ट। या एब्सोल्युटली। अब हम एक वीडियो कॉल कर लें प्लीज। हाँ टाटा, ये देखिए डॉक्टर। अथर्वा, फोन थोड़ा दूर रखना बेटा। आप फोन मुझे दो, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत वीक है। What? मम्मा की फोटोग्राफी स्किल्स वीक है? Really? हाँ? जब हम शिरडी गए थे तो कौन मेरे फोटोग्राफी स्किल्स देकर बोल रहा था कि मम्मा शिरडी तो स्विट्जरलैंड लग रहा है। अरे आप लोग अपनी अपनी स्किल्स को लेकर बाद में झगड़ना, पहले डॉक्टर को उनकी स्किल दिखाने दो। कब से माउस ट्रैप की तरह मुंह खुला रखकर मैं लेटा हुआ हूँ, चूहा आने दो। डॉक्टर को बोलने दो। हाँ, देखिए देखिए डॉक्टर, मिली क्या प्रॉब्लम? क्या क्या? टू मच कैविटी, आई गेस रूट कैनाल। रूट कैनाल? नहीं नहीं, एज के साथ ये सब कुछ होता है, रूट कैनाल, हार्ट अटैक, बाईपास। चुप बैठ, कुछ भी। डॉक्टर, वो हम फेस टू फेस एग्जामिनेशन कब करवा सकते हैं? कल तो संडे है, कल तो क्लिनिक बंद है, आप मंडे आ जाइए। ओके ओके। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं रूट कैनाल कराने की, आई एम नॉट गोइंग। लुक मिस्टर राजेश,
मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुझे रूट कैनाल की जरूरत नहीं है, आप पेन किलर बता दीजिए मैं ले लूंगा। क्या पेन किलर? हाँ पूरा मुंह सूजा हुआ है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो तुम। मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज। देखो मैं आ गई हूँ। राजू तुझे याद है बचपन में तेरे मसूड़ों में दर्द हुआ था और मैंने पेस्ट बना के लगाई थी तुम्हारे दांतों में, तेरा दर्द गायब हो गया था ना, वही लाई हूँ। बचपन में इतनी पुरानी पेस्ट? इतनी पुरानी नहीं है, अभी बना के लाई हूँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, संजीवनी बूटी आ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय बाय। चल ये पकड़ ये पकड़, आकर बेटा आकर। देखना सुबह तक ना सारा दर्द गायब हो जाएगा। तेरे पापा के घुटने में दर्द होता ना, मैं यही पेस्ट लगाती हूँ। अरे बाप रे ये क्या हुआ, मेरा मुंह चिपक गया। रात को गागल करके माँ ने लगाई हुई पेस्ट निकाला भूल गया, क्या उसी का नतीजा है, अब क्या करूं। क्या करूं क्या, वंदना को लेकर डेंटिस्ट के पास चला जाऊं? नहीं नहीं डेंटिस्ट नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? व्हाट डू यू मीन नहीं जाऊंगा? आई विल नॉट गो। अथर्व अभी आपने ही पूछा ना, व्हाट डू यू मीन मैं नहीं जाऊंगा। डोंट एक्ट स्मार्ट ओके। आई एम स्मार्ट मॉम, मुझे एक्ट करने की क्या जरूरत है। इतने ही स्मार्ट हो तो इस ट्यूशन टेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ डर रहे हो? डरता नहीं मम्मी, एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या है कि कल स्कूल में सेम टेस्ट हो रहा है तो वहाँ करूंगा ना, एक टेस्ट दो बार डज नॉट मेक सेंस। सच तो ये है कि तू डर रहा है कि तू इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ रही, मैं नहीं समझ रही, अब तू समझाएगा मुझे। राज क्या हुआ? क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अथर्व को परेशान मत करो वंदना, उसे सोने दो ऐसे। ए, चुप कर, बोलो फिर से बोलो। तुम्हें गाना गाना है मगर मच पे बैठ के। नहीं अच्छा फिर से करके दिखाओ फिर से। अरे वाह आप लोग डम शरारत्स खेल रहे हैं। बेबी ओके लेट्स स्टार्ट, हाउ मेनी वर्ड? मेरा मुंह लॉकडाउन। डैड ने अपने मुंह को लॉकडाउन करने की सोची है। ओके पीछे अंधेरे में एक औरत मेरे मुंह के अंदर घुस गई है और आत्मा से चिपक गई और छोड़ नहीं रही। मुंह के अंदर घुस गई? बाप रे ये तो एग्जाम से भी डरावना है। मैं जा रहा हूँ सोने। चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। अरे सीरियसली मम्मी, ये हर्षद अंकल की तरह बात कर रहे हैं। वैसे वो करके ऐसे बात करते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट ज्योति आंटी के। You're right. ज्योति भाभी। वंदना भाभी, ज्योति भाभी। ऐसा क्या अर्जेंट काम हुआ पड़ा? क्यों तुम्हें मिसेस अग्रवाल, आपने लिफ्ट के दरवाजे के बीच में सामान रख दिया है जिसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। आप जैसे मेंबर्स की वजह से सब लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। नमस्ते वंदना भाभी, रूल्स के मुताबिक अब आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। जोशीपुरा, यहाँ मेरे मुंह का फाटक बंद हो गया और आपको लिफ्ट के दरवाजे की पड़ी है।
आपके मुंह का फाटक? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा, राजेश भाई ऐसा कह रहे हैं। सॉरी वंदना भाभी, वो क्या है ना, मुझे आदत हो गई है ना ये ट्रांसलेट करने। नहीं 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 ज्योति भाभी, इसी ने तो बुलाया है आपको। ओह, मुझे लगा आपने फोन किया, कहा अर्जेंट आ जाओ, तो मैं अपनी 15,000 की सस्ती साड़ी पहन के आ गई। वो क्या है ना, एक्चुअली हर्षक के लिए मैंने वो 3,000 रुपए लीटर वाला क्रैनबेरी का जूस मंगाया था। मैं नीचे देखने गई थी कि वो आया या नहीं, इसलिए तैयार भी नहीं हुई। आपका जूस गया तेल लेने। पहले आप फाइन भरिए। दक्कू भाई बात सुनिए ना, वो राज के ना मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ज्योति भाभी को बुलाया। ज्योति भाभी आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए ना प्लीज। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या है ना, मेरे इनके घर में सब माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो क्या बोलते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ जाता है। मेरी जेठानी ही कभी कभी मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे फोन करके मुझे पूछती है कि ज्योति तेरी जेठ क्या बोल रहे हैं। वो आपके फोन पे बाद में आएंगे करेंगे, पहले आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए ना, बताइए ना ये क्या बोल रहे हैं। राजेश भाई बोलिए। बाद में पहले आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेला लूट के गया बेहतर, कौन सा मेला? कोई समझाओ इस इडियट को। ओह माय गॉड, आपने मुझे इडियट कहा, मुझे फाइन डर्सन हाइट सोसाइटी के। देखो भाई परेशान है बहुत, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। I'm so sorry. वरना भाभी केवल आप ही हैं जिसने इस राजेश वागले को इस बिल्डिंग में रहने दिया है। Excuse me? वरना भाभी कह दीजिए इनसे कि आज के बाद मुझसे इस तरह से बात ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। और आप, आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल, डोंट फॉलो मी। वंदना भाभी मैं भी चलती हूँ, क्या है ना कि हर्षद पजेसिव है थोड़े, अगर उनको पता चला कि ये ट्रांसलेशन करने की कला को मैंने कहीं और इस्तेमाल किया है तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, फिर वो 25,000 वाले इम्पोर्टेंट मशीन से उनका बीपी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, बाय 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 राजेश भाई। डैडी आपकी हालत मेरी तरह ही हो गई है, जो आप बोलते हो वो किसी को समझ में नहीं आता, और जो मैं एग्जाम्स में लिखता हूँ वो टीचर को समझ में नहीं आता। लिख क्या आता हूँ? लिख, यस, लिख तो सकता ही हूँ। मुंह सूझा तो सूझा, लेकिन ये क्यों नहीं सूझा? कल रात मम्मी ने जो पेस्ट लगाई थी दांतों में वो चिपक गई है। मैं रात को गागल करके पेस्ट निकालना भूल गया और अब मुंह नहीं खुल रहा। प्रॉब्लम ना पेस्ट का है ना ही माँ का है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है। तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा राज, रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। नहीं जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास, नहीं करवाना है रूट कैनाल, ये मेरा प्रॉब्लम है, आई विल मैनेज। माँ वाला पेस्ट, हल्दी वाला दूध, दूध पी लेना फिर पेस्ट लगा लेना, और प्लीज आधे घंटे बाद मुंह धो लेना, नहीं तो मुंह। राज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो। प्लीज मुझे नहीं जाना है, मैं ब्याज जोड़ता हूं। जो करना है करो। रात का दर्द एक बार मुझे भी हुआ था, लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक आदमी की जोर से कोनी लगी कि तुरंत गायब। दर्द दर्द और दांत दोनों। सर वुड यू लाइक टू ट्राई इट नाउ? ओके गाइस हाउ इज इट गोइंग?
Let's get ready for this now. Yes, sir. Mr. Wagle, phone नीचे रखिए. Sir, उनके हाथ में फोन नहीं है. दांत में दर्द है. बोल नहीं पा रहे कुछ. What? लेकिन आज presentation है. Investors के साथ video conference है हमारी. इस हालत में कैसे कर पाओगे presentation? कर पाओगे? क्या? कैसे? आपको मेरी बीवी से प्रेजेंटेशन के लिए है? इतनी आसानी से तो कोई टीवी नहीं मांगता, बीवी मांग रहा? अरे लाज शर्म है या ऐसा कुछ है क्या? नहीं राजेश वागले, राजेश सर बताओ मिस्टर वागले क्या करें आप? आपको पता था ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है, दांत का इलाज करवा नहीं सकते थे? दिस इज हाईली इरेस्पॉन्सिबल. अब कौन करेगा ये प्रेजेंटेशन? मैं हूं ना सर. ये देखिए पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा. गुड मिस्टर वागले, यू रियली नीड टू बी केयरफुल, यू नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मीटिंग, यू कैन गो होम, यू कम विद मी. चलो आफ्टर यू, गेट वेल सून सर. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. Raj, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है. कूल टेस्ट में फेल होकर आया. लेकिन मॉम. लेकिन कुछ नहीं बेटा. कितनी बार कहा था मैंने तुझसे कि ट्यूशन टेस्ट दो जाकर. लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है. मॉम, मैं सेम टेस्ट दो बार दूंगा तो बोर हो जाऊंगा. हो गए ना फेल? मम्मी मैं सच कहूँ तो मुझे डर था कि अगर मैं ट्यूशन टेस्ट में फेल हो जाता फिर आप डांटते मुझे. और अब बच गए डांट से. डर की वजह से तुमने ट्यूशन टेस्ट नहीं दिया और स्कूल टेस्ट में फेल हो गए. एक बात ध्यान रखा था, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है. तुम ही समझाओ ना राज. अथर्व, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, क्योंकि वही गलती तो मैंने भी की है. डेंटिस्ट के डर की वजह से मैंने अपने दांत के दर्द को निग्लेक्ट किया और आज उसी वजह से तुम्हारी ही तरह मैं भी फेल होकर आया हूं, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहा था. बिना ये सोचे कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की हमारी हिम्मत कमजोर हो जाती. इसलिए मैं और तुम दोनों आज तुम्हारी मम्मी से माफी मांगेंगे. और मुझे तो अपने पापा से भी माफी मांगनी है, क्योंकि इस पूरे किस्से में मैं उनकी दी हुई सीख भूल गया. जी 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 राजू. बेटा, हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा एसेट क्या है बताओ? क्या? अच्छी सेहत. ऊपर वाले से ये कभी मत मांगो कि हमारी जिम्मेदारियां कम कर दें, बल्कि ये मांगो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत दे. अच्छी सेहत है, हिम्मत भी अच्छी. बेटा, हमने तुम्हें विरासत में दौलत तो नहीं दी, लेकिन हाँ अच्छी सेहत दी है. अच्छी सेहत है तो हिम्मत है. बेटा, इस हिम्मत को कभी मत हारना, वरना जिंदगी की लड़ाई कभी जीत नहीं पाओगे. वह गलती सुधारनी है डूड, तुम्हें भी और मुझे भी. लड़ना है अपने प्रॉब्लम से. मैथ की भाषा में कहूं तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम. तो चल दोनों लड़ते हैं अपने अपने डर से. आर यू रेडी?
हाँ डॉक्टर, हेलो, राज कल आएंगे रूट कनाल करवाने। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.